अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बाज़ो व्यूवर्स को मेरी माँ के खानों में खुश आमदी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हरा मसाला मुर्ग की रेसिपी लेकर आई हूँ, चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन व्यूवर्स ये आधा किलो मैंने चिकन ली है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। फर्स्ट स्टेप हमारा मैरिनेशन है, एक पाव में इसमें दही डालूँगी। वन टेबल स्पून अदरक, वन टेबल स्पून लहसुन, इसको मैंने क्रश कर लिया था, आप भी प्लीज़ फ्रेशली इसको लीजिएगा और क्रश कर लीजिएगा। क्वार्टर चाय का चम्मच हल्दी मैं इसमें डालूँगी और मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैं अपनी चिकन को 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन कर लूँगी। इसके अलावा व्यूवर्स ये एक खास ग्रीन चटनी इसके लिए बनेगी, उसके लिए मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जितना पसंद है आप ले लें। मैंने 12 से 13 इसमें हरी मिर्चें ली हैं, ये तेज़ वाली लीजिएगा प्लीज़। इसके अलावा एक पाव मैंने पालक के सिर्फ पत्तों को 2-2 इंच का काट कर उसको पतीली में सॉफ्ट कर लिया था, उतने ही पानी में, कोई पानी नहीं डाला था, उसमें ही वो सॉफ्ट हो गई थी। इसके अलावा व्यूवर्स ये एक बंच मैंने हरा धनिया का लिया है, आप भी प्लीज़ टहनियों के साथ लीजिएगा, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इन तीनों की हम चटनी बना लेंगे और उसमें ये तीनों लेमन जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन का जूस डाल देंगे। इसके अलावा व्यूवर्स जो हमारे मसाले होंगे उसमें 1 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के हमें साबित मिर्च लूँगी, इसमें साबित लाल काली वाली मिर्च है। इन दोनों मसालों को मैं हवन दस्ते में क्रश कर लूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। चलें आइए हम अपने चिकन के मैरिनेशन के बाद मिलते हैं। व्यूवर्स देखें, एक कप मैंने तेल गरम कर लिया है, मैंने घी गरम किया है, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप आमलेट चॉप प्याज मैंने डाल दी है। प्याज पे हमारा हल्का सा, हमें इसको गोल्डन नहीं करना है, हल्के से हमारी प्याज पिंक हो तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। और ये कुछ साबित गरम मसाले हैं, इसमें 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और 7 से 8 लौंगे हैं। हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट और पिंकिश सी होती है तो हम अपना अदरक लहसुन डालेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी तैयार होती है, इंशाल्लाह ताला आप खुश हो जाएंगे इस रेसिपी से। व्यूवर्स देखें, प्याज हमारी हल्की सी, इसका कच्चापन दूर हुआ है, तो हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन क्रश डालेंगे और इसको भी हम स्लो फ्लेम पर अपने लहसुन और अदरक को भूनेंगे। व्यूवर्स देखें, अदरक लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से, इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम अपनी मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूवर्स, जो मैंने इसमें अपने मैरिनेटेड चिकन डाली थी, अब ये दही के पानी में मेरी चिकन गल जाएगी तकरीबन 8 मिनट के बाद, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बाकी के हम इसमें अपने अज्जा डालेंगे। व्यूवर्स देखें, तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं, मेरी चिकन भी तकरीबन गल चुकी है। अब मैं अपनी ग्रीन मसाला पेस्ट डालूँगी इसमें और ये मैंने 20 से 25 बादामों को ब्लांच करके उनको पेस्ट फॉर्म में कर लिया है, ये मेरी ग्रेवी को गाढ़ा करने में मदद देंगे। आप अपनी ग्रेवी को फ्रेश कोकोनट से भी उसको पीस कर भी गाढ़ा कर सकते हैं। देखें, तकरीबन मैंने 5 मिनट और पकाया है, अब हमारी ग्रेवी कितनी इसमें थिकनेस आ गई है बादाम के पेस्ट की वजह से। अब हम अपना ये जो हमने काली मिर्च, ज़ीरा जो क्रश किया था, चाट मसाला, कसूरी मेथी और नमक, ये तमाम अपने ड्राई अज्जा हम डालकर तकरीबन 2 मिनट का हम इसको दम देंगे और फिर अपनी डिश आउट करेंगे इसका अपने हरा मसाला। व्यूवर्स, हमारा हरा मसाला चिकन तैयार हो गया है और ये बहुत टेस्टी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज़ मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था चटनी के साथ, तो मैंने लास्ट में वो 3 टेबल स्पून लेमन जूस भी इसमें ऊपर से डाला है। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक और शेयर भी करें। अब इजाज़त दें, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।